नमस्कार, आप देख रहे हैं कि हरियाणा। आप सभी का स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ ऋतु बिश्नोई। आज की स्पेशल रिपोर्ट बेहद खास है उन खेल प्रेमियों के लिए जो क्रिकेट से बेहद लगाव रखते हैं। राजस्थान की सरहद से सटे हरियाणा के आखिरी छोर के गांव कालवाना में क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। गौरतलब है कि यह टूर्नामेंट कालवाना के स्वर्गीय पूर्व सरपंच जगदेव सहारन की याद में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य आदित्य देवीलाल चौटाला व एसवीएस केरवाला के संचालक रामजी लाल गोदारा ने शिरकत की। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट का जो पहला इनाम है वो 21,000 रुपये है, जबकि द्वितीय इनाम 11,000 रुपये रखा गया है। बाकी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भवाली उपमंडल के गाँव कालवाना में सरपंच जगदेव सहारन की स्मृति में ग्रामीणों की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। इस टूर्नामेंट में सिरसा जिले के अलावा राजस्थान व पंजाब के सीमावर्ती जिलों से भी पंचायतों की क्रिकेट टीमें हिस्सा लेंगी। स्वर्गीय पूर्व सरपंच जगदेव सहारन की याद में शुरू हुई क्रिकेट प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य आदित्य देवीलाल व स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल केरवाला के चेयरमैन रामजी लाल गोदारा ने शिरकत की। टूर्नामेंट का पहला मैच गाँव मुन्नावाली व मम्बड़खेड़ा की टीमों के बीच खेला गया। मुख्य अतिथि ने बताया कि खेलों का जीवन में विशेष महत्व है। खेलना केवल व्यक्ति की सेहत के लिए लाभदायक है, बल्कि इससे आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अस्वस्थ शरीर न तो किसी कार्य को सही तरीके से कर सकता है और न ही वह अपनी सोच विकसित कर सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने का एक साधन खेल भी है। आज के इस आधुनिक युग में खेल शिक्षा का एक आवश्यक अंग माना जाता है। पूरे विश्व में खेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। स्कूलों, विद्यालयों व कॉलेजों में हर प्रकार के खेलों की व्यवस्था रहती है। प्रत्येक मनुष्य के लिए आज यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने आप को खेलों से जोड़कर जीवन को सहज बनाने का प्रयास करे। यही सहजता उसके जीवन को सुधार कर उसे आनंदित जीवन जीने में सहायक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के हरियाणा। ये टूर्नामेंट की पहल की गई है, बहुत सराहनीय है, क्लब द्वारा सराहनीय कदम है और खेलों के प्रति हमारा समर्पण, हमारा लगाव और हमारे इलाके का रुझान ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि कालवाना गांव से अच्छे होनहार खिलाड़ी इस इलाके का नाम रोशन करें। यही लगन स्वर्गीय जगदेव सहारन जी की थी और आज जो शुरुआत हुई है ये सराहनीय कदम है, ये उस आत्मा को एक श्रद्धांजलि है और हमारे जो दिलों में उनके प्रति प्यार, लगाव, लगन है उसके प्रति हमारी भी ये जवाबदेही है कि हम ऐसे शख्स को ऐसे मौके पे याद करते रहें। और यही उम्मीद करूँगा कि आने वाला भविष्य इस गांव का और उज्ज्वल हो। जो भी सहयोग मेरे से हो पाएगा मैं अपनी आत्मा से, दिल से सहयोग करने के लिए तैयार रहूँगा। और एक बड़ी खास चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्लब के सदस्यों को भी, तमाम जो युवा साथी उनको भी, कि हमारे वक्त में, मेरे वक्त में भी टूर्नामेंट थे, मैं भी करवाया करता था, मेरे गांव में कालवाना की टीम भी आया करती थी। अपने जो इस इलाके में अब तक जो टूर्नामेंट हो रहे हैं वो सारे कॉस्को बॉल से होते हैं। 5 तारीख को रत्ताखेड़ा में टूर्नामेंट है, पिछले साल भी रत्ताखेड़ा टूर्नामेंट हुआ था, लेदर की बॉल से हुआ था। तो मेरी, मतलब ये मेरी इच्छा है, कोई जरूरी नहीं है, कि अपन लेदर की बॉल से करवाएं ताकि और भी दूर दराज की टीमें भी यहाँ आए और वो देखें भी कालवाना गांव जो है किस तरीके का टूर्नामेंट कराता है। और कोई क्लब के लिए सहयोग हुआ मैं करने को तैयार हूँ। स्वर्गीय श्री जगदेव जी सहारन की याद में हमें इस मंच पर इकट्ठा होने के लिए जो मौका मिला है ये बहुत ही यहाँ के क्लब के द्वारा सराहनीय कार्य है। जब भी सरपंच साहब अपने गांव में प्रोग्राम करते थे
मेरे जैसे शख्स को जरूर बुलाते थे, याद करते थे और मैं उनके हर प्रोग्राम में हिस्सा भी लेता था। खेल के विषय में भी उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी और उसी को देखते हुए यहाँ के क्लब ने जो ये एक सराहनीय कार्य किया है, मैं इसके लिए क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी इस याद में ये टूर्नामेंट हर साल होता रहे। जैसा कि चौधरी आदित्य जी ने आपको एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगले साल जो है ये टूर्नामेंट मेट के ऊपर होगा और लेदर की बॉल से होगा, ये एक बहुत ही खास बात है ताकि उस बॉल से खेलने के बाद हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ने में सक्षम होंगे और आगे के टूर्नामेंट में भाग लेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा चौधरी स्वर्गीय श्री जगदेव जी के बारे में। आज तक गांव के सरपंच सिर्फ चौथा के लिए बनते आए हैं, उनकी एक ही खासियत थी कि उन्होंने सरपंची का मायना बदल दिया। उन्होंने अपने सरपंच के जीवन काल में गरीब से गरीब आदमी की सेवा करने का जो ध्येय बनाया था उसके द्वारा वो हमेशा गांव के हर शख्स के दिल पर राज करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। मैं भी इस बात का उनके बहुत ही कायल था कि उन्होंने सरपंची चौधर के लिए नहीं एक जन सेवा के माध्यम से की थी। इसके लिए सभी ग्रामवासियों को मैं फिर से एक बार उनकी याद में धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट उनको समर्पित है। थैंक्स, धन्यवाद। सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा है। महान शख्सियत के याद में महान कार्य किए जाते हैं, उसी का एक पहला कदम आप लोगों का यह है, बहुत सराहनीय कदम है। आप लोगों से ये भी उम्मीद रखेंगे कि जिन जिन कार्यों में सरपंच साहब की रुचि थी वो साल में निश्चित दिन रख के, जैसे कोई क्विज कंपटीशन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है या बच्चों का कोई अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम है, वो भी आयोजित करवाए जाएं। और जहां तक रहा मेरा सहयोग का सवाल, एक तो टूर्नामेंट के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से जाना हो, पहले भी सरपंच साहब जहां भी लेके जाया करते थे तो स्कूल की बस की सेवा हमेशा हाजिर रहती थी। आपका क्लब कहीं भी जाए, स्कूल की बस की आवश्यकता हो, बेझिझक हमारे विद्यालय के लेक्चरर धर्मपाल जी सारणी यहाँ पे हैं, उनको अवगत करवा दें। बाकी किसी प्रकार के आर्थिक सहयोग की जहाँ तक भी आवश्यकता है, ये सारे कार्य हैं वो सहयोग से चलते हैं, वो आप लोग हमें बता दें, ना भी बताएंगे तो भी हम इस काम में सहयोग करेंगे। और कहीं यदि टीम भेजने की और की आवश्यकता हुई, स्कूल की टीम बुलाने की आवश्यकता हुई, उसमें भी आपकी कोई भी आज्ञा होगी उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे और अच्छे कार्य में हमेशा आप लोगों के साथ में रहेंगे। धन्यवाद। अपना जान ना बिटकाए दोनों होता है। एक बार पीछे बंटी के लिए पटेल ने पत्थर रखा, आसानी से आगे निकल एक बार फिर अपने। मैं सबसे पहले तो तमाम गांववासियों को, तमाम क्लब के सदस्यों को इस बात का की बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने उनकी याद में ये टूर्नामेंट की शुरुआत की है। ऐसी शख्सियत थी कि उनको सारा इलाका, सब लोग जानते थे। उन्होंने कालवाना गांव को हिंदुस्तान के पटल पे लाके एक पहचान दी, राष्ट्रपति अवार्ड मिला और तमाम अपने गांव की हर चीज़ के लिए, हर दिक्कत के लिए दिन रात लड़े और इस गांव का रूप
बदला, इस गांव में शिक्षा लेके आए, तमाम बच्चों के लिए सुविधा, हर वर्ग को उन्होंने छूने का काम किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरीके से गांव के लोगों ने उनके प्रति जो अपनी भावना व्यक्त की है, उनकी याद में ये टूर्नामेंट रखे, यही भावना तमाम और गाँव के अंदर भी, जिस ऐसे अगर लोग काम कर रहे हैं जो गाँव की भलाई के लिए कर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ मैं संदेश देना चाहूँगा कि उनको भी ऐसे तमाम लोगों के याद में कोई ना कोई अच्छे कार्य गांव में करना चाहिए। एक गांव अगर ऐसा काम करता है उसको देख के दूसरा गांव भी करता है, इसी तरीके से धीरे धीरे करके हमारे इलाके के तमाम गांव, हमारा इलाका आगे आ पाएगा। मुझे खुशी है और मेरी तरफ से कोई भी सहयोग इस तरीके का, चाहे वो कोई गाँव हो, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। थैंक यू सो मच। हाँ, इस विषय में मैं उनका एक बहुत बड़ा फैन हूँ कि उन्होंने वास्तव में सरपंची का मीनिंग ही बदल दिया। आज तक हमारे एरिए के अंदर कहीं भी देख लो आप, चौधर के लिए लड़ते हैं सरपंची का इलेक्शन, जबकि उन्होंने एक गरीब से गरीब, छोटे से छोटे आदमी की सहायता के लिए अपना तन मन धन सब कुछ नौछावर कर दिया और उनका दरवाज़ा आधी रात को भी हर गरीब के लिए खुला था। तो मैं उनकी इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि उन्होंने एक अपना ऐसा परिचय इस क्षेत्र में दिया है कि दूसरे लोग भी यदि अनुसरण करें तो बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। सर, उन्होंने इसके साथ साथ शिक्षा में भी काफ़ी प्रयास किए और... नहीं, हर क्षेत्र में उनका ये तो एक अलग उनकी पहचान थी, बाकी उन्होंने कोई ऐसा विषय या कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां उन्होंने काम ना किया हो। शिक्षा के अंदर तो बहुत ज़्यादा, कालवाना गांव जो है राजस्थान की बॉर्डर पे सटा हुआ गांव है और यहाँ पर इतना बड़ा स्कूल लेकर के वो आए जिसके अंदर साइंस कॉमर्स सभी तरह की सुविधाएँ इस गाँव में दी, इतने पिछड़े एरिए के अंदर शिक्षा की हब बना दिया उन्होंने, ये बहुत बड़ा काम था उनका। थैंक यू सर। खुशी तो सरपंच साहब से जब मैं बाढ़ के टाइम में मिला था उस टाइम में हुई थी, जब बणी के लोगों को कहीं पे जगह नहीं मिल रही थी और मैं कई जगह गया था, लोगों ने कहा था जी यहाँ तो बाढ़ पीड़ित आ सकते हैं, जबकि मैं भी एक बाढ़ पीड़ित था। सरपंच साहब ने बहुत दिल खोल के मेरा सहयोग किया और नई बिल्डिंग थी मेरे को समर्पित की कि जी ये बिल्डिंग ले, आप बच्चे पढ़ाओ। और सबसे बड़ा दुख उस दिन हुआ था जिस दिन रात को मैं सिरसा पहुँचा था, बड़ा आघात पहुंचा था मेरे को, पर अब कुछ हद तक एक मन में शांति आ रही है भी ठीक है, उनके पीछे संभालने वाले हैं, उनके सपनों को पूरा करेंगे, प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो आयोजन किया है इसमें थोड़ा सा राहत मिल रही है भी ठीक है, उनके सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे। और मैं चाहूँगा कि ये क्लब के लोग हैं वो एक तरह से जो एजुकेशन सोसाइटी काम कर रही है कालवाना की, उसी ढंग से काम करें और उनके सपनों को साकार करें, ये मेरी भगवान से और इस क्लब से और पूरे इलाके से उम्मीद है। थैंक यू। पिंड कालवाना तो हाँ, जो कि अज साढ़े युवा क्लब वाले ने बड़ी वधिया पहल की है कि जो सरपंच साहब का सुपना सी इस बच्चों वास्ते भी खेल वास्ते उसनू इन्होंने कंटिन्यू जो चालू करने वास्ते रखे है, बहुत वधिया सलांघा है, इस योग है कम। बाकी जो सरपंच साहब ने सानू देन दिती है वो तो एक सानू भुलण वाली नहीं है, क्योंकि सरपंच साहब ने शिक्षा दे सत्र ते बहुत वड्डा कार्य करिया है। इस तरह अपने इस इलाके दे विच मॉडल स्कूल जिहड़ा वो लिया, बड़ा प्रयास करके बड़िया मुश्किलों उन्होंने टप के लिया, असी उन्हों का वो देन तो नहीं दे सकते लेकिन उस दे पाए हुए पूर्णियां ते असी चल सकने हैं और चलन की कोशिश करांगे, क्योंकि उन्होंने उन्हों की सदा यही सोच सी कि एजुकेशन दे विच साडा बच्चा जो है वो पढ़ेगा लिखेगा तो साडा जिहड़ा पिंड है उसका नाम रोशन होएगा। उन्होंने हर गरीब नू वर्ग नू सारे नाल लैके चले, कोई उसने चौधर वाली जिहड़ी सी उन्होंने बात नहीं सी ना गल सी, उन्होंने हर एक आदमी नू नाल लिया। इस गल का मैं उन्होंने सच्ची तो सच्ची श्रद्धांजलि साडी यही है कि असी उन्होंने पाए हुए पूर्णियां ते चल के चल सकीए और चलीए। धन्यवाद। सबसे पहले तो गांव कालवाना की तरफ से, हमारे एरिया की तरफ से सरपंच साहब को यह हमारी पहली श्रद्धांजलि है और हम अपने सहयोग से ये कोशिश करेंगे कि उनके जो भी सपने हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में,
और जो गांव के उनके बारे में सपने थे उनको हम सभी मिलकर, गांव नहीं हम सभी मिलकर पूरा करेंगे सर इनके लिए, पहले इसलिए हमने ये खेल महाकुंभ शुरू किया है। और हमारे टूर्नामेंट के सर आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पूछो जाके हमेशा ही बहुत शानदार टूर्नामेंट होता है, कभी भी कोई विवाद नहीं होता इस टूर्नामेंट में। और उनको ये पहली श्रद्धांजलि है सर इस टूर्नामेंट में। लगभग मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भी कम से कम 100+ टीमें आएगी, क्योंकि हमारे राजस्थान से बहुत टीमें आती है। और इसमें प्रथम इनाम है सर 21,000 रुपये, दूसरा इनाम है इसमें 11,000, और मैन ऑफ द सीरीज है वो 21 रुपये प्लस ट्रॉफी। और हमारे गांव में क्रिकेट का जो खास बात है जी, सदा से ही ये जो जुनून है क्रिकेट का ये सदा से ही बढ़ा रहा है, और हमारे क्षेत्र से काफ़ी शानदार टीमें आती हैं। और इसलिए सर आखिर में ये कहूँगा कि हमारे सहयोग से ये टूर्नामेंट शानदार करवाएंगे, कोई भी प्रकार का आपको कभी विवाद सुनने को नहीं मिलेगा, यही हमारी आशा है, यही हमारे सरपंच साहब को पहली श्रद्धा। पहला मैच सर मुन्नावाड़ी वर्सेज मम्मड़खेड़ा, और मुन्नावाड़ी ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, उद्घाटन मैच है वो मुन्नावाड़ी वर्सेज मम्मड़ का है सर।